हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस अनबॉक्सिंग। मुझे बहुत कुछ बताना है, काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी है, तो पहले स्टार्ट करते हैं स्पीड 226 के साथ। तो आप लोग को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये क्यों ख़रीदा। मुझे CO2 गन्स जब ख़रीदने का शौक हुआ तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया मार्केट में, जितने वैराइटीज अवेलेबल थे हर एक कंपनी के, UMARX के, गैमो के, CZ के, SIG के, सबको देखा, सबके रिव्यूज़ पढ़े। मैंने कम से कम 3 हफ्ते डेडिकेटेडली रिसर्च किया, तो फिर जाके मैं SIG कंपनी के गन्स पे फोकस किया। और मैं आपको इस पर्टिकुलर CO2 गन के बारे और जनरली SIG और कंपनी के बारे और इसके गन्स के बारे में बताऊंगा ड्यूरिंग दिस अनबॉक्सिंग। तो बेसिकली ये मॉडल है 226, इसका ये ऑफिशियली SIG से लाइसेंस्ड है। ये मुझे पड़ा करीब 45,000 रुपया, मार्केट में इसका प्राइस है करीब $150, मतलब 12,000 रुपया। तो हम इसको खरीद रहे हैं, वी आर बाइंग दिस एट 4 times द रेट विच इज अवेलेबल इन USA, UK और एनी अदर यूरोपियन कंट्रीज। बट यहाँ पे सेलर का मार्केट है, व्हाटएवर द डिमांड वी हैव टू गिव। सो बेसिकली दिस इज लाइक लाइसेंस्ड बाय SIG सॉयर एंड दिस मॉडल P226 इज द ऑफिशियल साइड आर्म ऑफ US नेवी सील्स। सो दिस गन हैज बीन लाइसेंस्ड by SIG SAR company for its detail, for its features and mechanisms, so that police officials and the Navy SEALs can practice it in a safe environment. So with this gun comes its manual. I have actually not gone through it because I have read so many reviews and I have seen so many videos that I could start operating it from the moment I got it. सो अभी तक आई हैव आई थिंक शॉट अबाउट 100 to 150 राउंड्स फ्रॉम इट। गन इज क्वाइट हेफ्टी, इट वेज अराउंड 2.5 kgs, सॉरी 1.5 kgs इफ यू हैव द एक्चुअल मैगजीन विद द रियल पैराबेलम बुलेट्स लोडेड इनटू इट। दिस हैज गॉट अ 16-shot मैगजीन एंड दिस मैगजीन्स कैन टेक बोथ पैलेट्स एंड इट कैन टेक BBs। दिस इज कॉल्ड अ ड्यूअल फ्यूअल मैगजीन। सो दिस इज देर इज अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड एरिया हियर, place your pellet here, it will stick here and push it inside the finger. You can see I've got some pellets here. So pellets are lead, so you have to push it here and place it in firmly. And this BBs, metal BBs, you can place here. If it is metal, it will stick here because of the magnet and you can slide it in. So you can take both BBs and pellets. So I've got a few pellets, lighter weight pellets. I haven't tried it with the BB. Mera BB ka abhi tak order has not arrived. I have ordered about 1,000 stainless steel BBs from online store, which I usually buy from. So basically 8 pellets here and 8 here. So you just slide it in and it locks in place. Gun is now on safe. You can see the S here and there's no red dot here. And there is what it has got, a ejectable or drop down magazine. So once you press here, the magazine is ejected with some force. आई एम सॉरी, मेरा आज आजकल थोड़ा सा सर्दी जुकाम चल रहा है, सो मेरा वॉइस अभी थोड़ा सा ये है, ख़राब है। एनीवे, इसके अंदर में यहाँ पे आप एक साइलेंसर लगा सकते हैं, हाफ यूनिफ थ्रेडिंग है। नॉर्मल जो साइलेंसर है वो नहीं, इसके लिए स्पेशल जो एयरसॉफ्ट का साइलेंसर आता है वो लगता है। एंड इट इज़ गॉट ब्लोबैक एक्शन। ब्लोबैक एक्शन का मतलब होता है कि इसका जो CO2 कार्ट्रिज है उसका कुछ एनर्जी जाता है इसके स्लाइड मैकेनिज्म को पीछे खींचने में, यूँ इस तरह, और फिर ये आगे आता है। ये जब पीछे आता है तो इसका जो हैमर है ये कॉक पोजीशन में चला जाता है, ये कॉक हो गया। अभी क्योंकि सेफ है और इस गन की ये खासियत है कि मैं ट्रिगर दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली डीकॉक हो गया बिना राउंड चलाए। तो ये एक इसका सेफ्टी फीचर है जो कि जिसके कारण SIG को सारे नेवी वाले यूज़ करते हैं। ये जो वाइट हम एंकर है ये ऑफिशियल अप्रूवल है नेवी सील्स का, तो नेवी सील अप्रूव्ड ये गन है। काफ़ी अच्छा इसका वेट है, फील है। अंदर में यहाँ पे रेल दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने डॉट साइट मंगाया है, सो आई पुट द डॉट साइट हियर। ये फील्ड स्ट्रिपेबल नहीं है, ये जस्ट शो के लिए है। नॉर्मली क्या होता है, आप इसको नीचे प्रेस करके इसका गन का जो स्लाइड है पीछे निकाल सकते हैं, मेंटेनेंस वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो है बिल्कुल शो के लिए, केवल ये जो है सेफ एंड फायर ये काम करता है, मैगजीन का रिलीज काम करता है। और यहाँ पे ये जो नॉच है, आप इस अगर नॉच को प्रेस करेंगे तो ये पीछे का कवर खुल जाएगा जिसके अंदर आप CO2 कार्ट्रिज डालेंगे। SIG का ही एक प्रोप्राइटरी कैम मैकेनिज्म है जिससे कि आप इसका क्लोज करेगा तो ये SIG बंद हो जाएगा। तो SIG बहुत ही रिलायबल, एक्यूरेट और
स्टॉपिंग पावर वाला गन है, एक्चुअल जो 226 है। नॉर्मली बेरेटा, वॉल्टर पीपीके या वॉल्टर, ग्लॉक और सिग, ये चार नाम आप सुनेंगे, या स्मिथ एंड वेसन, बट मोस्टली सिग, ग्लॉक ही दो कंपनीज हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, खास करके US में जहाँ के लोग गन शूटिंग बहुत पसंद है। तो बेरेटा ऑफिशियली वेपन सेलेक्ट हुआ था कोल्ट 1911 को रिप्लेस करने में, बट उसका स्लाइड खराब हो जाता था एंड आफ्टर मल्टीपल यूज डैमेज हो जाता था, एंड व्हेन लेडीज स्टार्टेड एंटरिंग द US आर्मी दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू यूज, सो आफ्टर दैट देर वॉज अ कॉम्पिटिशन हेल्ड बिटवीन ग्लॉक एंड सिग, सो सिग वॉज सेलेक्टेड एज अ ऑफिशियल यू नो साइडन फॉर द US नेवी सील्स एंड US मरीन्स एंड ऑल, बिकॉज कॉस्ट कम था, रिलायबिलिटी और रगबिलिटी बहुत ज़्यादा था। कई फोरम्स में पढ़ रहा था, एक्स स्पेशल ये स्पेशल फोर्सेस वालों का फोरम था, खासकर UK के और नेवी सील्स के जो सिग के बारे में बता रहे थे, तो मैं ब्राउज करते करते वहाँ पहुँच गया। तो उन्होंने कहा कि सिग ही ऐसा उनके पास गन था जो कि 40 फीट पे एक टेररिस्ट को या किसी भी इंसर्जेंट को, ये इसका स्टॉपिंग पावर है कि 40 फीट पे ये अपना गन होल्स्टर से निकाल के एम लेकर और एक्यूरेटली शूट कर सकते हैं और ये टारगेट पर लगेगा। तो इस गन का काफ़ी तारीफ है। अब मैं बताऊँ मैंने इसको क्यों खरीदा। तो ये टॉय है, लेकिन अगर पब्लिक में मैं इसको चलाऊंगा या घूमाऊँ फिराऊंगा तो इट इज़ इलीगल इन इंडिया। तो ये मेरे अपने घर के यूज़ के लिए है, कैजुअल प्लिंकिंग के लिए। मैंने इसके लिए एक होममेड प्लिंकिंग बॉक्स भी बनाया, पैलेट कैचर पैलेट ट्रैप बॉक्स भी बनाया है, उसका मैं वीडियो शायद बाद में डालूं। अब बन गया है, थोड़ा बहुत फिनिशिंग टचेस बाकी है। तो बेसिकली क्या है कि ये पावर इसका 400 मतलब 2 या 3 जूल्स है, और FPS में लिखा हुआ है कि ये 480 FPS देता है, यहाँ के लिखा हुआ है। मजल एनर्जी 18 जूल और बिलो है, और इसमें 480 FPS देता है, ठीक है। लेकिन सात मेरे पास 7 ग्रेन के पैलेट्स हैं, तो 7 ग्रेन के पैलेट्स में वो डेफिनेटली 480 FPS नहीं देगा, और पावर इसका 3 से 4 जूल है जितना भी मैंने रिव्यूज़ देखा है। मेरे पास खुद का क्रोनी है, जब इसका शूटिंग वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसका डेफिनेटली हर एक कैलिबर के पैलेट्स के साथ में पावर चेक करूंगा। तो मेरे पास 7 के आसपास ग्रेन्स का H&M का एक्साइट है, वेंडर ने इसके साथ में गेमो का भी पैलेट का एक टिन दिया था, वो भी करीब 7 से 7.5 ग्रेन का है, और मैंने अभी कोवी बाजार से कुछ और पैलेट्स मंगाए हैं, इसके बाद मैं उनकी अनबॉक्सिंग करूंगा। तो बेसिकली मैंने इसको इसलिए मंगाया था कि अगर मैं घर पे रखता हूँ सेल्फ डिफेंस पर्पज़ के लिए भी, तो इसमें 16 पैलेट्स हैं, पर जो बाकी गन्स होते हैं ना, बेरेटा के, वॉल्टर के या गेमो के, ओमारेक्स के, जो कि इमिटेशन CO2 वाले होते हैं, उसमें हेक्स की लगता है CO2 सिलेंडर को टाइटन करने में, या कोई स्क्रू आया होता है। अगर आपको इमिजिएटली इसको फायर करना है तो आप बैठ के वो एलन की खोज के और उसका स्क्रू से इसको टाइट करेंगे तो यू विल बी लूजिंग टाइम। तो बेसिकली इसमें क्या कि कैम मैकेनिज्म है, जस्ट स्नैप इट शट, तो आप कैम में खोल के सिलेंडर अटका सकते हैं अपने बेड साइड पर रखे हुए, रात में अगर आपको उसको एक्टिवेट करना है, आपने इसको शट किया, मैगजीन लोडेड है, लोड किया एंड यू आर रेडी टू शूट। तो ये जो है फास्ट रिएक्शन के लिए, ये मैं सिर्फ डिटरेंस पर्पस के लिए यूज करूंगा, क्योंकि आप शर्ट पहने हैं तो 3 फीट 4 फीट की दूरी में इससे जो पैलेट निकलेगा किसी को पेनिट्रेट करेगा नहीं, बट ये डराने के पर्पस से है। अगर घर मेरे घर में काफी चोर वगैरह आते हैं तो ये जस्ट दिखाने के लिए उनको कि मेरे पास कोई वेपन है, हो सकता है जो नॉन सीरियस चोर हो वो लोग अंदर नहीं आए, तो सीरियस चोर होंगे और उनको मैं वेपन दिखाऊंगा, उनके पास अगर असली वेपन हो तो 4 बोल मुझे उतार देंगे, मैं बेवकूफ की तरह ये CO2 पैलेट गन लेके पड़ा रहूंगा। इसी के लिए ये किसी को दिखाने के लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी को दिखाया तो वो आपका इंटेंशन समझेगा कि आप थ्रेट कर रहे हैं उसको या आप सीरियस हैं, तो वो भी उसी लेवल पे आपको अटैक करेगा। इसी के लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि इस तरह के गन्स जो कि रेप्लिका है और काफी रियलिस्टिक है, उनको बाहर कहीं पब्लिक फोरम में या किसी वेबसाइट पे इसको दिखाना नहीं है। क्लियरली आपको बताना है कि ये टॉय गन है और ये ब्लिंकिंग पर्पस के लिए, हॉबी पर्पस के लिए। एक और फीचर इसका, ये 2 वाइट यहाँ पर डॉट्स दिए और ये सेंट्रल साइट है। अभी तक मैंने जितने भी कार्टिज फायर किए हैं बहुत अच्छा एक्यूरेसी मिला है। एक तो इसका ब्लोबैक बहुत रियलिस्टिक है, क्योंकि ये स्पेशल फोर्सेस के ट्रेनिंग के लिए बनाया हुआ है, तो आपके हाथ में झटका बहुत लगता है,
क्योंकि बाकी गन्स में नहीं है। बाकी गन्स में जिसमें ब्लोबैक नहीं है वो सारी एनर्जी पैलेट को या बीबी को बाहर निकालने में लगा देता है, इसमें वैसा नहीं है। इसमें आपको करीब, जैसा कि मैन्युफैक्चरर्स ने लिखा है, आप एक CO2 कार्टेज पर 60 पैलेट का आसपास चला सकते हैं। मैंने इससे अभी तक 60 फायर कर लिया है, अभी भी फायर हो रहा है, बट आपको सिग्निफिकेंटली पता चल जाता है कि प्रेशर ड्रॉप है, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है जहां पे आप एम किया उससे 1 इंच नीचे होने लगता है, वो भी 10 फीट 4-5 मीटर के रेंज में। दूसरा है आपको जो ब्लोबैक का इफेक्ट है, जो झटका है, वो कम मिलेगा। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं CO2 के, हर एक शॉट कंसिस्टेंट नहीं होगा। एडवांटेज एक CO2 का इंडियन कंडीशंस में ये है कि टेम्परेचर से CO2 का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये जो UK US में जो भी मैक्सिमम का टेम्परेचर है वो 24-34 डिग्री सेंटीग्रेड उनका मतलब बहुत मेजर समर होता है। यहाँ पे तो 30 डिग्री और 34 डिग्री को विंटर माना जाता है। जैसे टेम्परेचर हाई होगा बाहर के एम्बियंट का, CO2 का पावर बढ़ेगा। इसीलिए मैंने अभी तक इससे 60 पैलेट चला लिए हैं, लेकिन अभी तक ये पैलेट फायर कर रहा है। तो इसका जो फायरिंग वीडियो है मैं अच्छे से आउटडोर में मेरा जो नया पैलेट ट्रैप है उसके साथ बनाऊंगा। फिलहाल के लिए यही है इस गन का परफॉर्मेंस। मुझे अभी तक इसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा लगा, फील वेट वगैरह सब काफ़ी बहुत अच्छा है। इसका सेफ्टी को खिलौना नहीं है। अगर आपका इंटेंशन है फायर करना तो आपको एक एफर्ट लगता है इसको सेफ से फायर लाने में। ये रेड डॉट जल जाता है और इसको बंद करने में आसानी से गलती से ये हो नहीं सकता है। मैंने जिस सेलर से ख़रीदा था उसने साथ में मुझे एक होल्स्टर भी दिया है। ये होल्स्टर है तो ये काफ़ी रगेड मटेरियल का है, ये आपके बेल्ट में फिट हो जाएगा और आप इससे निकाल के गन को, या अभी ये सेफ में है, इसको आपको फायर पे ला के और आपको शूट करना है। तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप लगा मुझे। अब इसको थोड़ा और यूज़ करेंगे, इसके साथ थोड़ा और एक्सपीरियंस होगा फिर बताएंगे। डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक बार में जब अपने कार्टेज लगाया तो आपको पूरा कार्टेज फायर कर लेना है। मैंने एक कार्टेज लगा के अभी 10 दिन हो गया है, मैंने पूरा कार्टेज फायर नहीं किया है। तो अगर आप कार्टेज फायर नहीं करेंगे तो अंदर पूरा सिस्टम इसका प्रेशराइज रहता है और अंदर के गैसकेट्स वगैरह वीक हो जाते हैं। खैर ये मेरी गलती है, नेक्स्ट टाइम क्योंकि तबीयत मेरा ठीक नहीं था तो मैंने फायर नहीं किया। अब जब भी ये कार्टेज लगाऊंगा तो उसको पूरा ख़त्म करके ही गन को खाली करना है, क्योंकि अगर लोडेड कार्टेज छोड़ेंगे तो इसके सील्स और ओरिंग्स और गैसकेट्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो खैर ये रिव्यू इस गन का, अब आगे देखते हैं। तो ये मैंने कुछ पैलेट्स मंगाए, ये एक कोवी बाजार साइट है, काफ़ी रिलायबल साइट है। मैं से 10 साल के आसपास हो गए इनसे खरीदते हुए, बहुत बढ़िया पैकिंग करके देते हैं। उनके पास जो स्टॉक में लाइटेस्ट पैलेट्स था मैंने वही मंगाया था। तो ये है गैमो का पिस्टल कब प्रिसीजन, ये है 6.9 ग्रेन्स का है। तो ये आई थिंक 200 के या 250 पैलेट्स होंगे इसके अंदर, इसको डिटेल्स का बाद में पढ़ते हैं। दूसरा मैंने मंगाया था, ये एक यूक्रेनियन कंपनी है, इसका नाम है नियोमा या लूमैन, ऐसे करके कुछ लिखा, lumen.ig.ua यूक्रेन का है। इसका जो है ये 0.5 ग्रेन्स का है, ये काफ़ी हल्का है, तो इसी के लिए मैंने मंगाया था। हल्का होने से पावर ज़्यादा मिलेगा। और फाइनली फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मुझे HNN बैराकुडा का 8 ग्रेन्स के पैलेट्स मिले। तो ये बैराकुडा 8.44 ग्रेन्स का है। तो मैंने अभी तक इसको चलाया नहीं है, 4.51 mm हेड साइज है। मैं इसको डायना पे चलना चाहता हूँ, देखता हूँ डायना पे बैराकुडा कैसे करेगा, क्योंकि अभी तक मैंने डायना पे कोई भी 8 ग्रेन का पैलेट्स नहीं चलाया जो कि ढंग से चला हो। 10 ग्रेन्स का बैराकुडा, 10 ग्रेन्स का 9 ग्रेन्स का पोलो वगैरह अच्छा चलता है। तो मैंने अपने डायना को काफ़ी कम पावर में ट्यून करके रखा है, इसी के लिए ये वाला जो है 8 ग्रेन्स का 8.44 ग्रेन्स का बैराकुडा चला के देखते हैं। अगर डायना पे अच्छा चल गया तो मैं इसके ढेर सारे ट्यून्स मंगा लूँगा। और ये दो तो क्यों है इसके डोंट पैलेट्स हैं।